नथ जेवर या जंजीर, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। छोटी से बच्चे को इतना सब बताएंगे तो ये समझ ना ही पाएगी। ये सब कोतवाल को बताना होगा हमें। बेटा, हमने कहा ना, हमारे पास बहुत कम समय है। तुम जाओ, जल्दी से अपने बाबा को लेके आओ। जल्दी जाओ कृष्णा, जल्दी। हम अभी बाबा को लेकर आते हैं। हाँ, बस एक बार कोतवाल यहाँ आ जाए तो हम उसे बता देंगे कि रुद्र ने हमारी हमशक्ल घर में बुला रखी है। वो महुआ नहीं है। माई तो नीचे थी, फिर यहाँ कैसे? तो दो माई, एक टाइम पे तो दो जगह कैसे? उन्होंने मुझे बाबा को बुलाने के लिए, लेकिन अब वो यहाँ खेल रही है। बच्चों, तुम लोग खेलो। इम्रति, क्या हुआ? तुम यहाँ कहाँ खड़ी हो? चलो ना, आओ हम सबके साथ खेलो। माई, तुम ठीक हो ना? जय जलाराम बप्पा, इस छुटंकी ने तो जीना हराम कर दिया है। हाँ, हम तो एकदम ठीक हैं और खुश भी हैं। अब तुम चलो ना, आओ खेलो हमारे साथ। हमारे पास ना समय बहुत ही कम है, हमें तुम्हारे बाबा की बहुत जरूरत है। जाओ बेटा, जल्दी जाओ, हम सब खतरे में। कुछ तो गड़बड़ है कृष्णा बेटा। कृष्णा बेटा, ये क्या तरीका है अपनी माई से बात करने का? चलो, हमको आपको कुछ दिखाना है, चलो बाबा। अरे मगर कहाँ जाना है, क्या बोल रही हो तुम? कुछ बताओ तो। बाबा, ये हमारी माई नहीं है। जय जलाराम बप्पा, कहीं कृष्णा को हमारी सच्चाई पता तो नहीं चल गई? खेमेंड की क्या बकवास कर रही है? हम बकवास नहीं कर रहे अम्मा जी, सच में वो हमारी माई नहीं है। बाबा चलो, हमें आपको कुछ दिखाना है। अरे कृष्णा, लेकिन ये कृष्णा ऐसे क्यों बोल रही है भैया? इस लड़की का कुछ समझ नहीं आता, रोजाना एक नया कांड मचाकर रखती है। परेशान हो गए हम तो। कृष्णा को अपने रास्ते से हटाना होगा, हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाए, कुछ सोचना होगा हमें। बेटा क्या हो गया आपको? हा? आपकी माई है तो आप क्यों उनके सामने ऐसा बोलते रहती? उन्हें बुरा लगेगा ना। बाबा, हमने माई को रोशनदान से देखा था। क्यों ऐसा? Why?
बेटा कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। बाबा माई आई थी। बहुत हो गई, चलिए आप। बाबा सच में हमने माई को देखा था। बाबा सच में माई थी वहाँ। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। नहीं मांगा, रुक जा। ये आवाज। माँ, भैया प्लीज ऐसा मत करो। रुक जा मांगा। माँ प्लीज। मांगा मत कर बेटा ऐसा। भैया प्लीज ऐसा मत करो। मांगा। आर्यन बेटा देख, देख क्या कर रही है। मांगा। दरवाजा खोलो। नहीं, अब नहीं जीना चाहते हम। हमारे पास जीने की और कोई वजह नहीं बची है। मरना चाहते हैं। अब इस दुनिया में और नहीं रहना चाहते। अब हम मर के ही अपने दर्द खत्म कर पाएंगे, अपना दुख खत्म कर पाएंगे। अब और कोई रास्ता नहीं बचा है हमारे पास। अरे इस पागल मेंढकी की बातों में काहे आ रही है तू बेटा? इसकी बातों को अपने दिल पर ना ले। ऐसा मत कर महुआ, मान जा हमारी बात। महुआ, अगर हमारे भैया को कुछ हुआ ना मिलना तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। महुआ दरवाजा खोलो, पागल हो गए तुम। बहुत कैसी बातें कर रही हो तुम? दरवाजा खोलो प्लीज। कसम महादेव की, अगर हम ना सीना चीर के देखोगे ना तब भी तुम्हें उसमें हसीन सबरी दोनों बेटियों की तस्वीर नजर आएगी। माई दरवाजा खोलो। देख रही है ना मेंढकी, आज तेरी वजह से काम है। जय जलाराम बप्पा, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अगर नहीं खुला ना जल्दी तो हमें सच में लटकना पड़ेगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। दरवाजा खोलो।